बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने सेवन क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका चैप्टर नंबर 11 अपलोड करते हैं। इसकी 10 चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। इसमें चैप्टर नंबर 11 है, सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, सर्किटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में फर्स्ट नंबर MCQs है, अ फ्यूज इज यूज टू। इस सवाल में कहते हैं कि हम फ्यूज को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फ्लो, ऑप्शन बी सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, ऑप्शन डी इंक्रीज वोल्टेज। तो यह पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, यानी करंट की ज़्यादा बहाव को रोकने के लिए हम फ्यूज को इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि व्हाट इज़ फ्यूज। फ्यूज ये एक दाती तार होती है जो कि कम दर्जे हरारत पर पिघल सकती है। फंक्शन ये है कि जब कभी बरकी सर्किट की तारें किसी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से गर्म होने लगते हैं तो कम दर्जे पिघलाव की वजह से फ्यूज तार मुंह की ही पर पिघल जाता है और सर्किट में करंट की फ्लो जो है वो रुक जाती है। तो यह पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थ वायर इज यूज टू। इस सवाल में कहते हैं कि हम अर्थ वायर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम अर्थ वायर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि करंट लगने से हम बच जाए। तो यह पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक। तो यह पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज एंड मोशन प्रोड्यूसेस, यानी जब चार्ज मुतहरिक होते हैं तो वो करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यह पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द लेयर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। इस सवाल में कहते हैं कि बिजली की बड़ी इकाई क्या है। ऑप्शन ए जोल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोवाट आवर, ऑप्शन डी एम्पेयर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी किलोवाट आवर, यानी बिजली की बड़ी इकाई जो है वो किलोवाट आवर है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 2 किलोवाट आवर इज द एनर्जी। इस सवाल में कहते हैं कि 2 किलोवाट आवर एनर्जी ये किस वैल्यू के बराबर है नीचे दी गई ऑप्शन में। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी 72 लाख जोल। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर जो है वो हमारे साथ बराबर है 36 लाख जोल के। तो जब हम 2 किलोवाट आवर को पॉइंट करेंगे तो 36 लाख को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 किलोवाट आवर हो तो आपने 3 को 36 लाख के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका तरीके कार है। तो इसलिए यहाँ पर 2 किलोवाट आवर ये बराबर है 72 लाख जोल के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।